फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कुप्रे गांव के एक साधारण परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे, जिसमें घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनाते थे। वे अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटा और सबका प्यारा था। 3 वर्ष का अबोध लुई एक दिन इधर उधर मटर गश्ती करता घूम रहा था। घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे। लुई घूमता घूमता पिता की कार्यशाला में पहुंच गया। कार्यशाला में चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। नन्हे लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और उससे चमड़े पर कुछ बनाने लगा। औजार उससे संभल ना पाया और उसकी आंख में लग गया। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई। आंख में घाव हो गया था। माँ ने आंख धोई और दवा डालकर पट्टी बांध दी, किंतु लुई की आंख में इन्फेक्शन हो गया और वह दूसरी आंख में भी फैल गया। धीरे धीरे लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। नेत्र विशेषज्ञों की सलाह की, परंतु काफी देर हो चुकी थी। वे निराश लौट आए। नन्हा लुई इस दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया। उसकी चंचलता समाप्त हो गई। लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो गए, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे नहीं चाहते थे कि लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। वे सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पिता ने उसे चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। लुई माँ के कामों में उनकी मदद करता था। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी की सहायता से गांव में घूमने लगा। तभी कुप्रे के चर्च में नए पादरी जैकविंस पेलुई आए। उनकी नजर लुई पर पड़ी और उन्होंने उसे अपना लिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वे उसे लेकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते, उसे बाइबल की कहानियां सुनाते, विज्ञान की कहानियां सुनाते। उन्होंने ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत भी सिखाया। लुई ने मन में ठान लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। कुप्रे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पहले पहल तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहमा सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर लिया। उसकी याददाश्त पहले से ही तेज थी, अभ्यास से तो और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विंस पेलुई ने पेरिस के अंत विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। शाम को लुई वहाँ संगीत सीखता था। उसने अनेक वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए, किंतु सबसे अधिक आनंद उसे पियानो बजाने में आता था। लुई अपने नए स्कूल में खुश था, किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टिहीन छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। दृष्टिहीन छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थीं। दृष्टिहीनों के पढ़ने का केवल एक ही तरीका था। हर अक्षर को कागज पर उभार कर छापा जाता था, जिसे छूकर उन्हें महसूस किया जा सके। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना बड़ा कठिन था। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय किया। तभी 1821 में चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंत विद्यालय में आए और उन्होंने सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में स्पर्श से संदेश पढ़ लेते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। लुई जी जान से एक नई लिपि बनाने में जुट गया। लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे लूडो के पासे की सतह पर होता है। फिर उसने बिंदुओं को उभार कर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। यह तरीका
एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए एक नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया, जिस कारण वह काफी प्रसिद्ध हुआ। लुई लगातार बिंदियों वाली अपनी पद्धति पर कार्य करते रहे। 8 वर्ष बाद उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों वाली किताबें बनाते। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला और वह बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक टीबी हो गई है। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज न था। 1844 में उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब तक उनकी पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी थी। लाखों करोड़ों दृष्टिहीन लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया। धीरे धीरे उनकी पद्धति सारे संसार में फैल गई। उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद अमेरिका में पहली बार दृष्टिहीनों के स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकों का प्रयोग हुआ। आज दृष्टिहीनता और ब्रेल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। संसार का हर दृष्टिहीन ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है।